हेलो स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.5। सो ये क्वेश्चन इज फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर। सो स्टूडेंट, यू नो ये थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। दैट टाइम वी टेक द स्क्वायर ऑफ मिडल वन मींस मीन प्रोपोर्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड बी सेम। तो आपको यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनली फाइंड आउट करना है जो गिवन नहीं है। तो क्या करना होगा हमें, उसी को कोई एक अल्फाबेट्स कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई दिए गए क्वेश्चन में, तो हम लोग उसे अलग से कोई अल्फाबेट्स मान लीजिए ले लेते बी या यम ले लेते, तो कंसीडर कर लेंगे लेट मीन प्रोपोर्शनल बी यम मान लेता मैं। अब यम मान लिया मतलब ये मीन प्रोपोर्शन है या मीन प्रोपोर्शनल है, तो इसका स्क्वायर देयरफॉर दिस यम स्क्वायर, इसी को फाइंड आउट भी करना हमें। तो यम स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मींस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर। अब क्या करना होगा आपको, सो नेक्स्ट स्टेप इज यूज फार्मूला फॉर दिस। यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना है और जो कैंसिल होगी उसे कैंसिल कर डालना है। जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई, इसे ब्रैकेट दे देता मैं, एक्स माइनस वाई इंटू यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी। तो ए और बी के जगह पे यहाँ पे क्या यूज होने वाला, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए ये एक्स माइनस वाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाती है यम स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये दो बार है तो यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपको मिलता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। So here it is m square, so we take square root on both side, so when you take square root it is one time, and here this x plus y bracket square means bracket is given and it's square, so when you take square root it is x plus y, and here it is also two times x square y square है, तो उनका square root हम लोग single time means x y ले लेंगे। तो ये हमारा answer हो जाता है, जो mean proportion है वो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो इस तरह से हमने जो प्रैक्टिस सेट 4.5 के जो एग्जांपल्स लिए हैं उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 इजीली आपको समझा होगा, आप इसके रिवीजन करो।